हेलो गाइस, वेलकम टू एसएसपी प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है अभिषेक, आप सबके केमिस्ट्री का टीचर, आप सबका मेंटर। आप में से कुछ बच्चे होंगे जो अभी ये सोच रहे होंगे कि सर केमिस्ट्री हमारी बहुत वीक है और मुझे ये डर लग रहा है कि मैं केमिस्ट्री एग्जाम में पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। तो आप सब बच्चे को मैं ये बताने आया हूँ कि अगर आपके मन में ये डर है तो ये डर अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि आने वाले चंद मिनटों में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिससे ना सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा बल्कि आप दोबारा खड़े होकर अपने पढ़ाई करने को तैयार होंगे। तो आज पढ़ाने के बजाय मैं ये सोचा कि क्यों ना बच्चों से इस तरीके से इंटरेक्ट करूं कि उनके जो डाउट्स हैं, उनके जो परेशानी है, उसको मैं दूर कर सकूं, क्योंकि ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पर मैं सब कुछ आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कहां पर, तो अगर आप एसएसपी प्लेटफॉर्म के जाएंगे दबंग प्लेलिस्ट में, तो आप देखेंगे कि ऑलरेडी पूरा 12th की केमिस्ट्री मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इसमें एक आधा टॉपिक जो रह रहा है वो अभी चाणक्य नीति में और क्रैश कोर्स में मैं आपका कवर करा दूंगा, तो नो नीड टू पैनिक, नो नीड टू वरी। सिर्फ इसके अलावा यही नहीं, एनसीईआरटी सॉल्विंग सीरीज से फिजिकल केमिस्ट्री ऑलमोस्ट पूरी करा दी है, नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चालू कर रहा हूँ, और साथ के साथ आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो देता हूँ यूट्यूब पे। तो ये मैं आपको सब ऑलरेडी दे चुका हूँ बच्चों, तो इस चीज़ का आपको फायदा है। अब आपके पास मैटर तो सब है बट कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाना है, कैसे आपकी परेशानियों को दूर करना है, उसके लिए मैं आज आपके सामने आया हूँ। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो ज़्यादा तो मैं आपका टाइम लूंगा नहीं, बट जो मैं बताऊंगा उसको बहुत ध्यान से और बहुत ज़्यादा गौर से सुनिएगा। सबसे पहले तो अगर मैं आपको स्ट्रैटेजी की बात करें, अगर अपन ये डिस्कस करें कि आपकी केमिस्ट्री के अंदर सिलेबस में क्या क्या आ रहा है, तो केमिस्ट्री अपनी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है बच्चों, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आइए जरा मार्किंग स्कीम पे ध्यान दे दें, जो कि अपन को ऑलरेडी पता है कि फिजिकल केमिस्ट्री में सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स आपका है। इसका 7 मार्क्स का आता है, ये 9 मार्क्स का आता है और ये 7 मार्क्स का आता है। तो टोटल फिजिकल केमिस्ट्री आपकी 23 मार्क्स की है, 70 मार्क्स का आपका पेपर है, उसमें से 23 मार्क्स की आपकी फिजिकल केमिस्ट्री आती है। अब फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर बच्चों होता है न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल आएंगे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से, और जो कि मैं आपको ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूँ। मेरी बात मानो तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यूनिट है पूरी केमिस्ट्री की, ना सिर्फ फिजिकल बल्कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में भी 9 नंबर से ज़्यादा किसी भी चैप्टर का वेटेज नहीं है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट और स्कोरिंग भी है बच्चों। ये डायरेक्ट नर्स्ड इक्वेशन से क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट गिब्स फ्री एनर्जी से क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट फैराडे लॉ से क्वेश्चन आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी मैं वीडियोज में शेयर कर चुका हूं, तो बहुत ध्यान से और बहुत गौर से इसको पढ़िएगा। इसके अलावा अगर अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इसके अंदर आपके 2 यूनिट्स आते हैं, एक डी एंड एफ ब्लॉक, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दोनों 7-7 नंबर के हैं, तो 14 मार्क्स की आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। ये भी मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूं, बट फिर भी वीबीटी जरूर पढ़ के जाइएगा और एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये दोनों टॉपिक भी पढ़ जाओगे ना तो मोर देन इनफ है बच्चों, बहुत इजीली आपके स्कोर हो जाएंगे। बट फिर मैं बोलूंगा एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन, उसके इंडेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि जो बच्चे ये डरे हुए हैं कि सर पास कैसे होंगे, उनको अभी बताता हूं, पास तो चुटकियों में हो जाओगे। पहला स्टेप होता है पास होना, दूसरा स्टेप होता है अच्छे नंबर लाना, तीसरा स्टेप होता है टॉप करना। तो अपन को छलांग मारनी है बट धीरे धीरे, ऐसे नहीं कि एकाएक अभी अपने हाल बुरे हैं तो पहले अपन पास होने की सोचो, पास से फिर एक स्टेप आगे, फिर एक स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप लाइफ में आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली सक्सेसफुल होगे। फिर बात करते हैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और जो कि सुपर ड्यूपर इंपॉर्टेंट है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके 4 तो मेन चैप्टर आते हैं और एक मिसलेनियस बायोमोलिक्यूल्स आता है। तो पहला हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीज देखोगे 6 मार्क्स का आता है, एल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर भी 6 मार्क्स का आता है, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ये आपका 8 मार्क्स का आता है, अमाइंस 6 मार्क्स का आता है, और बायोमोलिक्यूल्स आपका 7 मार्क्स का आता है। तो टोटल 33 मार्क्स का आपका ये वेटेज है, क्लियर। चलिए इन सब के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो नो नीड टू पैनिक। सबसे पहले तो अब मैं ये आपको बताने चाहता हूं कि स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि 70 मार्क्स में सर पास कैसे हुआ जाए, तो 70 में से मैं आपको 44% किए तो सिर्फ मात्र 4 चैप्टर से बता देता हूं। 70 में से 44% आपके किस तरीके से आ सकते हैं, आप सिर्फ ये 4 यूनिट कर जाओ, 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 यूनिट आप अगर अच्छे से कर जाओगे तो भी आपके 31 मार्क्स तो आ जाएंगे। फिर मैं बता रहा हूँ ये उन बच्चों के लिए जो पास होने के लिए डर रहे हैं। सोचो यार कितना आसान है, 4 यूनिट पढ़ना इज नॉट अ बिग डील। क्या क्या है, सिर्फ 9 मार्क्स की आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, 7 मार्क्स की आपकी डी एंड एफ है, 8 मार्क्स का एल्डिहाइड कीटोन है, और 7 मार्क्स का आपका बायोमोलिक्यूल है। अगर ये 4 टॉपिक भी अच्छे से कर जाओगे तो 31 मार्क्स आ जाएंगे। स्कूल वाले 30 में से 30 भेज ही देंगे तो आपके 100 में से 61 मार्क्स तो आपके
हाथ में है, इनको मत छोड़ना। बिल्कुल इजी टॉपिक है, अच्छे से कर लोगे 44% 70 में से आ जाएंगे, 61% 100 में से आ जाएंगे। क्लियर, पास होने का डर खत्म। अब आगे की बातें करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जब अपन लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको स्ट्रैटेजी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्मार्ट वर्क का पहला स्टेप मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि 70 में से पहले 30 मार्क्स अटेन करने के लिए मात्र 4 यूनिट पढ़ो। 4 यूनिट में अगर आपको 44-45% अगर हासिल हो रहे हैं तो सबसे पहले ये कवर कर लो। कर लिया, कवर करने का तरीका वही है, वीडियोस को आप जितनी स्पीड पे देख सको, आपके कंफर्टेबल स्पीड पे देख लो, सारे वीडियोस ऑलरेडी आपको अवेलेबल है। बायो मॉलिक्यूल्स मेरे पिछले साल के चाणक्य नीति में आपको मिल जाएगा, 1.5 घंटे का वीडियो है, कंप्लीट बायो मॉलिक्यूल उसी में से आता है हर बार। ठीक है, इतने साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, तो मैं यही कहूंगा आपको कि इसका फायदा उठाओ बच्चों, और इस तरीके से हार्डवर्क करोगे ना स्मार्ट वर्क के साथ तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब आप लोगों को सिर्फ यही नहीं, यूट्यूब के अलावा भी बहुत और मैंने फैसिलिटीज दे रखी है, मैंने और सचिन सर दोनों ने सोचा कि बच्चों को कैसे और हम अपने आप को प्रेजेंट कर सके, कैसे हमारी अवेलेबिलिटी बढ़ा सके, तो हम क्लास 24 के साथ एक आपके लिए पेड बैच भी लेके आए हैं। वो पेड बैच का नाम है चाणक्य बैच। तो चाणक्य बैच का प्राइस जब हमने बात की थी तो मात्र, देखो प्राइस की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री आपको 2000 रुपये में दे रहा हूं, उसमें से भी 1 रुपये कम है, तो 2000 रुपीज में कंप्लीट केमिस्ट्री क्लास 12th की, और अगर कंप्लीट पैकेज लेते हो तो मात्र 4000 रुपए का कंप्लीट पैकेज है। अब आप बिलीव नहीं करोगे कि अगर 10 यूनिट केमिस्ट्री की है उसका 2000 रुपए का प्राइस रखा है मैंने। उसमें लाइव क्लासेस है, वीकली टेस्ट है, सैंपल पेपर है, डाउट क्लासेस है, काउंसलिंग सेशन है मेरी तरफ से कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पे या मेरे कॉल पे बात कर सकता है। तो ये चार चीजें आपको मैं अवेलेबल करा रहा हूं, और आने वाले टाइम पे जो क्रैश कोर्स लेके आएंगे जिसमें भीड़ उमड़ती है बच्चों, हर बार क्रैश कोर्स की इतनी डिमांड रहती है, पिछले साल भी रही थी कि सर प्लीज किसी भी तरह जनवरी में हमें पास करा दो, पास करा दो। अरे बच्चों, जो अभी अपने पास टाइम है, अगर अपन अभी इस चीज का फायदा उठा सकते हैं कि मात्र 2000 रुपए में कंप्लीट आपको सिलेबस मिल रहा है, रिकॉर्डिंग्स मिल रही है, लाइव सेशंस मिल रहे हैं, तो क्यों ना आप इस चीज का फायदा उठाओ। और अगर थोड़ा सा अगर अपन इसकी गणित देखें तो अगर आप देखोगे कि 2000 रुपए को अगर मैं 10 यूनिट से डिवाइड करूं, क्या कर रहा हूं बच्चों, 10 यूनिट से डिवाइड कर रहा हूं, थोड़ा सा देखो गणित लगा रहा हूं, तो देखोगे 200 रुपीज पर यूनिट पड़ रहा है आपको, मतलब 200 रुपए में एक यूनिट आपकी कंप्लीट हो जा रही है। या 200 रुपए तो क्या चीज है बच्चों, इस तरीके से भी अगर आप सोचोगे। और दूसरी बात, कम बैच की स्ट्रेंथ बनाते हैं हम हर बार, कि बहुत कम बच्चे हमारे पास रहे कि इंडिविजुअल बच्चे का नाम मेरे को याद रहे, इंडिविजुअल बच्चों का मैं अटेंड कर सकूं। ज्यादा बैच स्ट्रेंथ करनी ही नहीं है, ये मैंने और सचिन सर ने डे वन से बात कर रखी है, क्योंकि हम कोई बड़े एड टैक कंपनी नहीं है कि भाई मुझे 500 या 1000 बच्चे चाहिए, नहीं, मेरे पास बच्चे हैं वो अच्छे मार्क्स से पास हो जाए, मेरे लिए वही मोर देन इनफ है। ठीक है, तो आपको ना सिर्फ YouTube पे सब कुछ पढ़ा रखा है, उसके अलावा आपके लिए इतना बेहतरीन एक बैच ला रखा है। अब अगर इस बैच की बात करें, कहां सर ये बैच मिलेगा, तो क्लास 24 ऐप पे आपको ये बैच मिल जाएगा। कुछ नहीं करना, क्लास 24 ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां पर आप जाओगे प्रिपरेशन सेक्शन के अंदर तो आपको ये बैच मिल जाएगा। तो देखा जाए तो इस 8 से 10 मिनट में मैं आपसे यही बोलना चाहता हूं कि डरना नहीं है, वीक है केमिस्ट्री। अगर क्लास 12th की बात करें तो मात्र 4 ऐसे टॉपिक है जिसको अच्छा कर जाओगे तो भी पास हो जाओगे। बट ऐसा नहीं सोचना है, इस प्लेटफॉर्म पे मेरे से पढ़ने वाले बच्चे या सचिन सर से पढ़ने वाले बच्चे ये नहीं सोचते कि हमें सिर्फ पास होना है, हमें अच्छे मार्क्स से पास होना है, हमें बहुत अच्छे मार्क्स से पास होना है। इसीलिए ये एक रैंक बूस्टर होता है ना, वैसे मार्क्स बूस्टर बैच है कि अगर आज आप 50 नंबर लाने वाले बच्चे हो, अगर आप चाणक्य बैच में मेरे साथ लाइव 1-to-1 पढ़ रहे हो, आपको पता है कि SN1 रिएक्शन से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, तो भाई कितना ही टफ पेपर आ जाए बिल्कुल अच्छे से मैं क्रैक कर लूंगा। एलिमिनेशन रिएक्शन से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं सब मैं इस बैचेस में डिस्कस कर रहा हूं, और अभी ऑर्गेनिक चल रही है, एल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर इज ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है, अब एल्डिहाइड कीटोन में चालू करने वाला हूं, तो अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो आप सोच सकते हो अभी। ठीक है, तो यही मैं बोलना चाहता था, इस तरीके से पढ़ाई करो, डरना नहीं है, वीक वीक कुछ नहीं होता बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करो, इस तरीके से स्मार्ट वर्क करो, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, उसी पे ही मैं अगला वीडियो लेके आ जाऊंगा। थैंक यू।